फरमाते बड़े प्यारे प्यारे साहबा और साहबियात जिन्होंने हिजरत की, पूरा पनवेल साथ में बोलेगा हमारे नबी ने हिजरत की मक्का से मदीना। आवाज नहीं आ रही, मक्का से मदीना? ना, मदीना नहीं, उस वक्त मदीना नाम ही नहीं था। हमारे नबी जब हिजरत किए ना तब मदीना नाम ही नहीं था मेरे प्यारों, वो जगह का नाम था यसरिब। बोलो क्या नाम था? यसरिब। बोलो क्या नाम? यसरिब। आज भी कसम अल्लाह की डिक्शनरी उठाओ, यसरिब के माने बीमारी की जगह, नहुसत की जगह, मुसीबत की जगह, आफत की जगह। तो हमारे नबी को अल्लाह हुक्म दे रहे मक्का से 600 किलोमीटर का सफर करना है। हमारे नबी पूछते अल्लाह कहाँ जाना है, अल्लाह फरमाते यसरिब। बोलो कहाँ? यसरिब। हमारे नबी कहते अल्लाह ये कोई नहीं आवे, क्योंकि ये तो लोग सफर करते तो भी लॉन्ग रास्ता पकड़ते, कोई भी शॉर्टकट यसरिब से नहीं मरता, क्योंकि इनका अकीदा है यहाँ जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, नहुसत आएगी, आफत आएगी, मुसीबत आएगी। यसरिब को यसरिब इसीलिए कहते हैं कि वहाँ मुसीबत आती। खल्ला ने क्या फरमाया? मेरे महबूब जाना वही है। कहाँ पर? बोलो ना कहाँ जाना है? यसरिब। हमारे नबी ने फिर फरमाया अल्लाह आपका हुक्म, नबी तैयार। बोलो सुभान अल्लाह, हम जाएंगे यसरिब जाएंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने फरमाया मेरे महबूब, मेरे मुस्तफा, मेरे मुर्तजा, मेरे मुजतबा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरे महबूब कदम बढ़ाते जाओ, 600 किलोमीटर का सफर मुकम्मल होगा जब तुम यसरिब की बाउंड्री में आओगे। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब तेरा पांव बहुत मुबारक है, तेरा कदम बहुत मुबारक है, तेरे पांव का तलवा बहुत मुबारक है। अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम मेरे मुस्तफा तुम आओगे यसरिब आओगे, तुम्हारा कदम मुबारक यसरिब में आएगा, तुम्हारा पांव मुबारक इस जमीन पर लगेगा। अल्लाह फरमाते जमीन का नाम भी बदल दूंगा, जमीन की शान भी बदल दूंगा। आप आइए तो सही, हमारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु के साथ और एक खादिम के साथ जब हमारे नबी उसी जगह पर पहुंचे जहां आज बहुत बड़ा गेट है। बोलो आज जहां बहुत बड़ा, और लिखा है मरहबम बिल मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाह सबको वहां ले जाए। आमीन। बोलो अल्लाह जल्दी जल्दी सबको वहां पे ले जाए और रोजे मुबारका पर हाजिर करवाए और सलातो सलाम की दौलत से अल्लाह हमको मालामाल फरमाए। आज भी वहां पर बहुत बड़ा गेट है, अभी हमारे नबी एंटर होने वाले। बोलो एंटर होने वाले, बस कुछ कदम बाकी एंटर होने वाले। हमारे नबी ने सामने पहाड़ी पर देखा, आ हा हा, कुछ छोटी छोटी बच्चियां हमारे नबी की शान में नाते पाक पढ़ रही थी। बोलो सुभान, क्या पढ़ रही थी? तलाल बदर अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई। यानी वो बच्चियां कह रही थी हम ये नहीं दिया है। अभी हमारे नबी कितने कदम बाकी है? दो। कहां पर है? यसरिब में। जिब्राइल आए, कहा महबूब अब कदम बढ़ाओ, अल्लाह नाम बदलने वाला है। मेरे प्यारों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अपना पांव मुबारक यसरिब में रखा, अल्लाह ने फरमाया ला यकुलू ना यसरिब, आज से कोई इसको यसरिब नहीं कहेगा, आज से इसका नाम, बोलो सुभान अल्लाह, आज से इसका नाम मदीना होगा, मुनव्वरा होगा, मैमूना होगा, तैयबा होगा, काबा होगा। और हमारे नबी ने फरमाया कयामत के मैदान में सबसे पहले सिफारिश करूंगा उन लोगों की करूंगा जिनकी कब्रें मदीना में मौजूद होगी। नाम भी बदल गया, शान भी बदल गई। सिर्फ क्या रखा हमारे नबी ने? ए तलवा, तलवा किस पे रखा? जमीन, जमीन। साथ में बोलो ना, किस पे रखा? जमीन, जमीन में अकल, जमीन में दिमाग, जमीन में ईमान, जमीन में जान। एक बेजान चीज पर हमारे नबी ने अपना कदम मुबारक रखा, एक बेजान चीज पर हमारे नबी ने अपना कदम मुबारक, पांव मुबारक, तलवा मुबारक रखा। अल्लाह ने उस जमीन का नाम भी बदल दिया, उस जमीन की शान भी बदल दी। पनवेल वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कसम खाकर कहो, जिस नबी का पांव और तलवा इतना मुबारक होगा कि जमीन की हकीकत बदल दे, वो नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा। अरे बोलो ना, वो नबी का चेहरा कितना मुबारक।
अरे होगा कि नहीं होगा चेहरा? अरे हाँ या ना बोलो ना, मेरे टाइम देखो कि आपको देखो, 5 मिनट बाकी है, एक बार दीदी को पूछ लो ना, फाइनल फैसला हो जावे भाई। भाई नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा नहीं। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा नहीं। ओ, एक मर्तबा हमारे सहारे वो साहब किराम रात को बैठे एक होटले पर बैठे, आपने यहाँ भी जवानों को देखा होगा रात को किसी स्टैंड पर या किसी होटले पर क्या करते हैं और बैठते हैं ना, और बहुत मर्तबा औरतें भी बैठती है, फातिमा ने, रुकैया ने, जुलेखा ने, अनीसा ने, ऐसे सब औरतें भी बैठती है और माशाल्लाह नमाज और मौत का जिक्र करती है। पंचात 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 समझते हो, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, तेरे बाप का क्या हुआ, वो सोच। हमारे जवान भी है, इतनी फिकर इतनी फिकर, अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई है और दुनिया की फिक्र कर रहे हैं। खैर टाइम है ना मेरे पास, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट, 10 मिनट दोगे ना आप लोग? सिर्फ 10 मिनट दे दो, बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे साहबे के नाम मोटे पर बैठे थे, लेकिन साहबे के नाम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, कुरान पाक समझ रहे, समझा रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत से साहबे के नाम फरमाते कि हम जमा होते थे वह नुज़ाकिरो, और हम मुज़ाकरा करते थे, कुरान हदीस के बारे में सोचते थे। बस ये सब सोच रहे, इतने में हमारे नबी वहां से गुजरे। बोलो हमारे नबी वहां से गुजरे, रात का टाइम था, हमारे नबी वहां से बोलो गुजरे गुजरे गुजरे। अब वो जो सहाबे किराम बैठे थे ना, उनमें एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम है हजरत हसन। बोलो क्या नाम है? हसन। और हसन को कहा जाता है शायरे इस्लाम, मुसलमानों में सबसे अच्छा शेर बनाने वाले और पढ़ने वाले कौन थे? हजरत हसन। साथ में बोलो क्या नाम? हसन। हसन, तो वो भी बैठे थे। अब हमारे नबी वहां से गुजर गए, सिर्फ हमारे नबी वहां पर खड़े हुए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नुज़ाकिरुल मनुदाकिरुल हदीस औ कमा कालो, यानी कहा कि हम कुरान हदीस का मुज़ाकरा करते हैं। हमारे नबी ने कहा बहुत अच्छा काम करते, वालेकुम सलाम करके चले गए। अरे हजरत हसन और जितने सब बैठे थे ना, सब कहने लगा आ हा हा, कितने खूबसूरत कितने खूबसूरत कितने खूबसूरत कितने खूबसूरत। बल्कि बल्कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर बैठे थे, वो कहने लगे कि अरे मैं कभी आसमान के चांद को देखता, कभी नबी के चेहरे को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी नबी के चेहरे को देखता। फरमाते थोड़ी देर में मैंने फैसला कर लिया, चांद मांद है और हकीकत में चांद तो यही चांद है। हजरत हसन है ना, वो सबको कहने लगे बैठो, कौन गुजरे यहां से? हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद। हजरत हसन ने पूछा खूबसूरत थे ना? सबने कहा खूबसूरत थे। तो कहा मेरा शेर सुन लो। अब वो दोस्तों दोस्तों में बात हो रही है, बोलो किस में बात हो रही है? और हजरत हसन ने जो शेर पढ़ा, याद है आपको? याद है? उलमा को नहीं पूछता भाई, ये तो मेरे से इल्म में आ गया, आपको पूछता हूँ। याद है वो एपिसोड? याद है अर्तगुल? आज का लेटेस्ट गाना याद है? म्यूजिक में जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना, ये नहीं याद होगा जो सबसे अच्छा शेर हजरत हसन ने अपने दोस्तों में गा रहे, नबी गए क्या खूबसूरत है शेर, बोलूं? सबने कहा कहो कहो। हजरत हसन ने शेर कहा वअहसन बिकलम तरकत आइनी वअजमल मिन कलम तलिद निसा को देखा, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन किसी को नहीं देखा। लाखों करोड़ों माओं ने बच्चा जना, लेकिन बीबी आमीना ने जो फूल महकाया वैसा फूल मैंने नहीं देखा। फरमाते सर से लेकर पांव तक मैंने मेरे नबी को देखा, कोई कसूर कोई ऐब नहीं। ऐसा लगता अल्लाह ने पूछ पूछ कर ही इनको तैयार कर दिया है। खैर हो गई रात की मजलिस खत्म हो गई, सुबह में फजर की नमाज हो गई, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, इमाम थे, इमामुल अंबिया थे, सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद पूछा ऐन हसन, हसन कहाँ है? हजरत हसन कोई सप में थे, कहा लब्बैक अल्लाह के रसूल, यहाँ आओ। कहा इधर आओ। आए, रात को मेरे बारे में क्या पढ़ा? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, रात को मेरे बारे में क्या पढ़ा? हजरत हसन की आंखों में आंसू, अल्लाह के रसूल नहीं,
कोई खास नहीं पढ़ा, पढ़ा लेकिन कोई कहा नहीं कुछ पढ़ा आपने, पढ़ा कुछ पढ़ा तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल पढ़ा, बेशक पढ़ा, कहा सुना, कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं आपको, अरे सुने बड़े अल्लाह के रसूल, आपका रौब दबदबा, आपका जलाल और आपका जमाल हजरत हसन तो ऐसे जैसे कोई बच्चा भिल भिला के रोता, कहा अल्लाह के रसूल कोई और काम के लिए मुझे भेज दो कोई अकाद के लिए, लेकिन मैंने रात को क्या पढ़ा वो आपके सामने नहीं पढ़ सकता। हमारे नबी ने कहा पढ़ो पढ़ो, जिब्राइल ने मुझे बताया है और अल्लाह ने उसको पसंद कर लिया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हजरत हसन की आंखों में आंसू थे, पढ़ा वा अहसन बी कलम तरा कंत आईनी वा अजमल मिन कलम तलिद निसा जन्नत को वाजिब कर दिया। नबी का तलवा जब इतना मुबारक होगा तो चेहरा, अरे बोलो ना चेहरा, अब सीधी सीधी बात मेरे को बोलो, नबी से मोहब्बत करने वाले हाथ उठावे, न करने वाले बिल्कुल हाथ ना उठाए। भाई सब करते मोहब्बत, एक आवाज में बोलो ना करते मोहब्बत, एक आवाज में बोलो ना मुस्तफा का दामन, हाथ पीछे रखो और साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, करते और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते, अब बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मोहब्बत करते करते रहेंगे और करते। अरे कितना है टाइम, बहुत कम है मेरे पास दाढ़ी नहीं नहीं हाँ, देखो एकदम बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे न लगे मेरे को नहीं मालूम, अगर हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो हाँ बोलो, नहीं थी तो ना बोलो, मैं भी नहीं, काय को रखूँ भाई, काय को रखूँ, मजा आता है, ये 52 साल की उम्र है, हाँ 52 साल की उम्र मौलाना अब्दुल सलाम साहब, 52 साल 52 ईयर्स की उम्र है मेरी, यहाँ कोई जवान यहाँ भी कोई बैठा होगा 52 वाला जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, चिकना गाल होगा, ये तो चलो ये मजमे को मालूम है कि ये कारी अहमद अली है, बाकी ये मजमे को नहीं मालूम होगा कि कारी अहमद अली है, और मैं अगर ये मजमे में आऊं और यहाँ पनवेल का कोई 52 इयर्स का बगैर दाढ़ी वाला आवे, हम दोनों जाते हुए और पीछे रश हो जावे, मजमा बढ़ जावे, तो मेरे को हटाने का होगा ना, तो कैसे हटाएंगे, ओ हो चचा साइड पे हो चचा और उसको क्या बोलेंगे मालूम, ओ भाई तू जरा साइड पे हो जाना, यानी कब वक्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, ये मेरे को भी नहीं, काय को भाई क्यों, हमको भी जवान होना अच्छा लगता है, लेकिन हमको तो गरीब नवाज की बात याद आती है, कौन गरीब नवाज, खाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह, एक मरतबा एक जवान उनके सामने आए, कहा हजरत नमाज पढ़ो रोजा रखो जकात दो मगर दाढ़ी नहीं रखो, हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा दाढ़ी क्यों नहीं रखे, कहा उसमें बुढ़ापा नजर आता है, ये देखो आ रहा है उसमें कोई डाउट भी नहीं है बुढ़ापन, खाजा खाजा अजमेर वाले बाबा, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया दाढ़ी रख लो, और फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर फरमाया दाढ़ी रख लो, हमको जवानी बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। तो आप लोग भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की दाढ़ी है, रखो पकड़ो पकड़ो ऐसा पकड़ो पकड़ो माशाल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, भाई जिनकी है वो बाकी का कोई यूं का को जिनकी दाढ़ी है बोलो ना हाँ सुभान अल्लाह, जिनकी दाढ़ी है बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, और जिनकी नहीं है अस्तगफिरुल्लाह औधु बिल्लाह। लेकिन यहाँ मुफ्ती जुबेर मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब एक अजब कमाल है, दाढ़ी है बोलो सुभान अल्लाह, नहीं है औधु बिल्लाह, लेकिन ये जो कटिंग कटिंग है वो क्या है, है भी नहीं भी है, ऐसी कटिंग कटिंग दाढ़ी मेरे को, मैं एक वाक्य सुना के बाद खत्म करूंगा, मैं इंग्लैंड में था, कहाँ
इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है मैनचेस्टर में, तो वहाँ मुझे बयान करने जाना था। अब मैंने कहा ना 30 साल, इंग्लैंड में जाना कोई कमाल की बात नहीं, कमाल तो वो है जो अल्लाह उसको मदीना और मक्का बुला ले। बोलो सुभान अल्लाह। बाकी इंग्लैंड, अफ्रीका, कनाडा जाना, अमेरिका जाना कोई कमाल की बात नहीं है। तो मैं वहाँ इंग्लैंड में था और मेरे को बयान करने पर मौलाना बस मस्जिद में जाना था। इतने में जवान दौड़ता दौड़ता आया, ऐसी दाढ़ी थी उसकी कटिंग दाढ़ी, जब तो माशाल्लाह इसकी हो गई उस वक्त उसकी ऐसी कटिंग दाढ़ी, और दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया और कहने लगा मौलाना कारी अहमद अली, यू कारी अहमद अली। मैंने कहा कारी अहमद, आई लव यू। और फिर मुझे कहता आई एम योर फैन, और कहता आई एम हियरिंग योर बयान फ्रॉम 4 years, माई सेल्फ, माई चिल्ड्रन, माई किड्स, माई पूरा कुंबा हमारा तुम्हारा बयान सुनता, कितने जमाने से तुमको ढूंढता था, आज अल्लाह ने सामने तुमको बता दिया। मैंने कहा तू हट मेरे पास से। कहा क्या हुआ? मैंने कहा तू मेरा बयान नहीं सुनता। कहा फ्रॉम 4 years, 4 साल। मैंने कहा मेरे हर बयान में दाढ़ी, तेरी दाढ़ी कहाँ है? 4 साल से मेरा बयान सुनता दाढ़ी का, तेरे इलाके में पानी नहीं आता, बारिश नहीं होती तेरे इलाके में। अब मैं भी इंग्लिश में बोलूँ उसको, अब वो इंग्लिश में मुझे कहने लगा मौलाना यू डोंट नो, मैं 4 साल से बयान सुनता हूँ, मेरी दाढ़ी तो है। मैंने कहा ये दाढ़ी नहीं चले, ये बिल्कुल नहीं। तो मुझे कहता मौलाना यू डोंट नो, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, सिग्नेचर ऑफ ईमान, ये तो इस्लाम की निशानी, ईमान की निशानी, अब छोटी हो या बड़ी हो इस्लाम की निशानी है, काफी है। और मुझे गुस्से गुस्से में कहता मौलाना ओ कारी साहब यू डोंट नो दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज धोके। ज्यादा बोला तो मैंने कहा जिब्राइल तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरे थे, बहुत नफट मौलवी हूं मैं। आज तो माशाल्लाह उसकी अब तो इतनी खिदमत करता है, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट मेरे साथ में रहता है माशाल्लाह। तो खैर मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, एक बात का जवाब दे दो, फिर आपकी मर्जी, दाढ़ी रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, आपकी मर्जी। मेरे एक सवाल का जवाब, हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे जाओगे कब्र में वैसे उठोगे, कब्र में बगैर दाढ़ी के गया तो कयामत में कोई खामोश नहीं रहेगा, कयामत में। ऐसा तो है नहीं ना क्या बगैर दाढ़ी वाला मर गया और जनाजा रखा है, अरे सब लोग आ गए जनाजे की नमाज पढ़ाना है चलो, घर वाले कहते नहीं दाढ़ी आएंगी फिर। ऐसा तो होगा नहीं, बगैर दाढ़ी के जाएगा कब्र में, उठेगा भी बगैर दाढ़ी के। हदीस पाक में लिखा है कि बगैर दाढ़ी के उठेगा, और ये मेरे को अब दूसरी बात में ला रहा हूँ, कयामत में नबी से मुलाकात होगी, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? यकीनन होगी, बोलो यकीनन। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूछा है अगर कयामत में नबी हमको ये पूछे मेरा उम्मती इधर आ, दुनिया में 50 साल तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज ये कयामत के मैदान में भी मुझको तू पसंद नहीं आता है। इसका जवाब होवे तो मैं सब बातें ख़त्म कर दूंगा, अल्लाह की कसम सब ख़त्म कर दूंगा। अगर कयामत में नबी ने इतना कह दिया जा मुझको तू पसंद नहीं, कहाँ जाएंगे मेरे प्यारों? जो नबी का होगा वो अल्लाह का होगा, जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहीं भी नहीं होगा। क्यों अल्लाह को? तो अरे हमने बचपन में झूठ बोल बोल के अपनी माँ को धोखा दिया, मालूम नहीं कितनों की माँ होगी, कितनों की माँ चली गई, मेरी माँ भी चली गई। बचपन में झूठ बोल के माँ को धोखा दिया, कहाँ खेलने जाते थे कहाँ बोलते थे, बचपन में सबक याद नहीं किया अपने टीचर को झूठ बोला, अपने बाप को झूठ बोला, अब क्या कयामत में नबी के सामने भी ऐसा करेंगे? हम मुस्तफ़ा को भी झूठ बोलेंगे, हम अल्लाह को भी धोखा देंगे? कब तक हम धोखा देंगे? ये कलमे वाले को अल्लाह ने कलमा इसलिए दिया था कि धोखा देवे, ये कलमे वाले को कलमा इसलिए दिया था कि मोबाइल पे पबजी खेले, ये कलमे वाले को कलमा इसलिए दिया था कि रात भर मोबाइल पे चैटिंग करे, ये कलमे वाले को कलमा इसलिए दिया था कि पहले कोई बाहर जाके जीना करता था, अभी मोबाइल में घर में जीना होता है। मेरे दोस्तों जिस घर में जीना होता होगा वह हलाल रोजी कहाँ से घर में आने वाली है? इसलिए मेरे प्यारों एक पक्की बात कर लो, कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 2 मुस्तफा का दामन, आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन।